ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक हैं, फिट हैं, फाइन हैं? तो कुछ नई बातें, नई शुरुआत करते हैं, और आज हम प्रोटिस्टा की बातें करेंगे, है ना? ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें कुछ नई बातें इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर आप मोनेरा, लाइक जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी यूकेरियोट्स, यूनिसेलुलर हैं, उन सबको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना? तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसको बहुत ही ध्यान से सुनो, सिंपल लैंग्वेज में सुनो और स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते जाओ। और ये मेरा प्रॉमिस है कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? तो मुझे ऑलरेडी जानते हो, अगर नहीं जानते तो मैंने अनुराग तिवारी आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर और नीट रैंकर चैनल पर, राइट? तो पॉसिबिलिटीज इसी तरह से बनती हैं, है ना? कुछ बस मेहनत करके हमको यहाँ पर देखनी चीजें। मैं आपको प्लस प्लेटफॉर्म पर भी बच्चों पढ़ाता हूँ, और प्लस पर आज से, टुडे 6 अक्टूबर, एंड आज से एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वी कॉल इट एज टाइटन्स बैच। ये बैच आपको नीट 2022 के लिए प्रिपेयर करा रहा है, एंड सबसे अच्छी बात क्या, इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, जो भी आपका नीट का कंप्लीट सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपके हर 3 लेक्चर के बाद अलग से डाउट सेशंस होंगे, हालांकि आप इसको आप लाइक चैट के थ्रू या फिर ओरल फॉर्म में भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, वर्बली पूछ सकते हैं। एक और अच्छी चीज ये कि यहाँ पर आपको वीकली टेस्ट भी मिलते हैं, और सब कुछ जो स्पेशली बायोलॉजी वगैरह की बात करें तो ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड। और सबसे अच्छी बात यह कि हम 4 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, 4 मंथ, मतलब आप बहुत आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बहुत अगर गया तो फर्क, तो उससे पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। बट हाँ, ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हम 4 महीने में ही सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम कुछ नहीं करने वाले, नहीं, उसके बाद हमें प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और यही इस टाइटन्स बैच की यूएसपी है कि यहाँ प्रैक्टिस ज्यादा होने वाली है। तो आज जल्दी से ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करते हुए प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लेना, एटी सर कोड यूज कर लेना, है ना? फीस में 10% का ऑफ मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मेरे साथ जुड़ जाओगे, राइट? और भी बैचेस हैं, आप किसी भी बैच में जुड़कर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। 1 साल की जो फीस है ना, वो 34,000 है, मेरा कोड यूज करने के बाद कितना, 34,000 है। 2 साल की 56,000, कोड यूज करने के बाद ये लगभग 50,000 हो जाएगा। तो आप ये देखो कि 2 साल की फीस 50,000 की है ना, 2 साल की फीस 50,000 की है, तो ये पॉसिबिलिटी यहीं से चेंज हो जाती है आपके पढ़ने की। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की 1 साल की फीस 65,000 है और 2 साल की 1 लाख है। इसमें भी आप जैसे ही कोड यूज करते हो, है ना, इसमें भी आप जैसे ही कोड यूज करते हो एटी सर, तो यू विल गेट 10% ऑफ, ठीक? चलो शुरू करते हैं, पॉसिबिलिटीज बनाते हैं, कुछ नई चीजें सीखेंगे। इस बात को समझना, सबसे अच्छी खास बात प्रोटेस्टा की बात है। प्रोटेस्टा में सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि इसके पास ये एक लाइक छोटी छोटी बातें, इनको अगर मैं स्पेशली डिफाइन करना चाहूँ तो ये यूनिसेलुलर है, पहली बात तो ये याद रखनी, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सिंगल सेल। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो मेनली ये एक्वाटिक है, मेनली, है ना, मेनली एक्वेटिक है, एक बात और समझ में, राइट? तीसरी बात भी ये बात समझा दूं आपको, दे आर कनेक्टिंग लिंक, दे आर व्हाट, नथिंग बट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके किसके बीच में, फंजाई, प्लांटे, और एनिमल, ठीक है, फंजाई, प्लांटे और एनिमल, छोटी छोटी बातें करूंगा, बस ध्यान से समझना। याद रखेंगे यूकेरियोट है तो इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी हो, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे, तो ये प्रॉपर्टी है यूकेरियोट्स की। कुछ के पास फ्लैजिला है, कुछ के पास सिलिया है, कुछ के पास फ्लैजिला है और कुछ के पास सिलिया है, तो ये छोटी बातें आपको प्रॉपर याद रखनी,
ठीक है, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि प्रोटिस्टा से ही है ना कल को बाकी के जो ऑर्गेनिज्म हैं, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया, ये सारे ही डेवलप, ये सारे के सारे डेवलप हुए हैं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है समझने के लिए, क्या जो रिप्रोडक्शन है इनका सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीके से हो सकता है, डिपेंड्स। अब समझो, ये जो क्राइजोफाइट्स और ये जो नाम दे रखे हैं टेक्निकली प्रोटेस्टा, ये पांच तरीके के हैं, यहां मैं लिख देता हूं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिसमें से बच्चों इसको डिवाइड आप कर सकते हैं, इन तीन को आप बोल सकते हो दे आर फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? सप्रोफिटिक, मतलब डेड एंड डीके चीजों को एब्जॉर्ब करेगा, सेप्रोफाइटिक। और प्रोटोजोअन्स तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हैं बहुत से, मतलब बहुत से फ्री लिविंग भी हैं, बहुत से पैरासिटिक भी हैं, जैसे प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं, पैरासिटिक हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज आपके साथ में ऑलरेडी होती है। तो देर आर फाइव टाइप ऑफ प्रोटिस्टा, कौन से? क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स। तो ये पांच वर्ड आपको याद रखने, एक बात है ना। अच्छा जी, जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चे आ गए, अनमोल है, वंदना है, वैष्णवी है, प्रीति है, शालू है, जमील है। ओके, ठीक है। अब इस बात को समझना, सबसे पहली बातें हम किसकी करने वाले हैं पता है? तो सबसे पहली बात हम करेंगे किसकी? प्रॉपर क्राइजोफाइट्स की, है ना, प्रॉपर क्राइजोफाइट्स की। बहुत ही ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो काम अपना बन जाएगा। तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए, तुम्हें ये चीज प्रॉपर पता होनी चाहिए कि क्राइजोफाइट्स के दो पार्ट होते हैं, एक डायटम्स और एक डेस्माइड्स, है ना। एक क्या? डायटम्स और एक डेस्माइड्स, दो ऑप्शन है। डेस्माइड्स इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी, डेस्माइड्स को ही हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, रेन वाटर में मिल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं तो इनको प्लैंकटॉन भी बोलेंगे और मेजोरिटी ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ये बात आपको समझ में आएगी। अब जो बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जो डायटम्स है ये हमेशा बच्चों आपको ऐसे मिलेगा, ये एक ऊपर और ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये एक नीचे, बट ये आपको कैसा लग रहा है देखने? तो ये लुक लाइक सोप बॉक्स, नहीं, वो जो साबुन रखते हैं घरों में बॉक्स बंद करने, तो सोप बॉक्स की तरह दिख रहा है। बात को समझना, और इसके बाहर, इस बात को भी और अच्छे से समझेंगे, इसके बाहर बहुत ध्यान से, सिलिका की हार्ड लेयर और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एपिथीका, एपिथीका, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हाइपोथीका। क्या वर्ड यूज किया? हाइपोथीका, एपिथीका एंड हाइपोथीका, दो बातें यहां पर हो रही हैं। कहानी को थोड़ा और अच्छे से समझें अगर, तो इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है, काफी जरूरी है समझने के लिए, कि ये एक डायटम का इस तरह का स्ट्रक्चर। एक बात तो समझ में आई, तो यहां पर जो वर्ड दिया हुआ है, यहां पर जो वर्ड प्रॉपर दिया हुआ है, सिलिकेशियस सेल वॉल, ये समझ गए। ऊपर से दो थिन ओवरलैपिंग शीट है, दो थिन ओवरलैपिंग शीट है, ये भी आपको याद रखनी होगी बातें, ठीक। और सबसे अच्छी बात क्या, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, क्योंकि क्या है, फोटोसिंथेटिक है, तो फोटोसिंथेटिक है तो इट इज नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। क्या वर्ड यूज किया? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन, ये वर्ड याद रखेंगे या भूल जाएंगे? दे आर कंसिडर्ड एज चीफ प्रोड्यूसर, मतलब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करके बायोमास बनाने वाले ओशन में ऑर्गेनिज्म कौन है? तो आंसर लिखना पड़ेगा डायटम्स, ये वर्ड याद रखना, डन। इसमें बच्चों को कोई दिक्कत अभी तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझो बच्चों, थोड़ा सा और अच्छे से समझो। जो डाटम्स हैं, जब ये डेड हो जाते हैं, ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, जब ये डेड हो जाते हैं तो इनका सिलिका की जो लेयर है ना, इनकी जो सिलिका की लेयर है, इस बात को भी समझें, ये सिलिका की लेयर वहीं पड़ी रह जाती है। मान लो ये कोई पॉन्ड है, यहाँ पर डाटम, तो सिलिका की लेयर यहाँ इकट्ठी हो जाए धीरे धीरे। इट इज नोन एज वॉट, दैट बॉटम ऑफ दैट वॉटर बॉडी इज नोन एज डाटमिशियस अर्थ। क्या वर्ड यूज किया? डाटमिशियस अर्थ। ये छोटी छोटी बातें आपको टिप्स पर पता होनी चाहिए, टिप्स पर पता होनी चाहिए। डाटमिशियस अर्थ मेनली इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ डैटम्स। ठीक, किस काम आते हैं? देखो, इसको ऐसे पाउडर बना दिया तो पॉलिशिंग इंडस्ट्री में काम आ रहा है, फिल्ट्रेशन में जो ऑयल वगैरह के हैं, ये सब चीजों में काम आ रहा है। तो बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ समझ में आनी चाहिए। सेकेंड वन इज डायनोफ्लाजेलेट। सेकेंड वन इज बच्चों वॉट, इनफैक्ट आप इसको अगर लिखना भी चाहो तो हीट इंसुलेटर की तरह के भी काम आता है ना, एज ए हीट इंसुलेटर। इंसुलेटर्स तो अलग अलग तरीके से ये चीजें याद आपको याद करनी। नेक्स्ट वन इज वॉट आपके सामने है, डायनोफ्लाजेलेट्स। नाम से क्या समझ में आ रहा है बच्चे? हाँ जी, तो मेनली तो मेराइन है और फोटोसिंथेटिक, तो मैंने पहले ही बता दिया। इनके कलर अलग अलग होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, तो बेस्ड ऑन कलर, पिगमेंट इसमें कौन सा है उसके बेसिस पर दे शो कलर, दे ऑलवेज शो कलर। इनको जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ होती है और सेलुलोज से बनी होती है, हार्ड। अब समझो इनका नाम डायनोफ्लाजिलेट्स क्यों पड़ा। जैसे ये एक है ऊपर का पार्ट और ये नीचे का, और इस पूरे के पूरे डायनोफ्लाजिलेट्स में आपको सेलुलोज की प्लेट दिखेंगी ऐसे। क्या मेरी बात समझ पा रहा? ऐसे नीचे भी मिलेगी आपको। जब आप ओरिजिनल कोई डायनोफ्लाजिलेट्स देखते हो तो आपको यही चीजें मिल रही होती। और यहां पर दो फ्लैजिला आपको मिल रहे हैं, दो फ्लैजिला। बातें समझ पा रहे हैं? तो एक तो ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडिनल, दो फ्लैजिला आपको मिले। एंड दो फ्लैजिला हमेशा इस सेलुलोसिक प्लेट के बीच में से निकलता है। इट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई कॉल्ड डाइनो फ्लैजिलेट्स। दो फ्लैजिला हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज डाइनो फ्लैजिलेट्स। देयर आर मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लॉन्गिट्यूडिनल Another is transverse। कहां से निकलते हैं? हाँ जी, कहां से निकल रहे हैं? फरो बिटवीन द वॉल प्लेट, दो वॉल प्लेट के बीच में से निकल रहे होते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज, क्योंकि मैंने बोला अलग अलग कलर के होते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ लिया एक रेड डायनोफ्लाजिलेट्स का एग्जाम्पल बताएं, तो आप क्या बताएंगे बच्चों? एक रेड डायनोफ्लाजिलेट का एग्जाम्पल, तो गोनोलेक्स। क्या वर्ड यूज किया? गोनोलेक्स। गोनोलेक्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लीकेशन, ये छोटे वर्ड याद रखने, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दे लुक रेड, ओशन के ऊपर लाल लाल आपको लगेगा जैसे खून है, बट एक्चुअली वो डायनोफ्लाजिलेट्स। और अगर कोई भी इस गोनोलेक्स को खा ले, कोई भी मैराइन एनिमल, तो उसकी डेथ हो जाती, चाहे वो फिश ही क्यों ना। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? छोटी छोटी चीजें। यूग्लिनॉइड आपको ये समझना है कि यूग्लिनॉइड आर रिच इन प्रोटीन। यूग्लिनॉइड्स आर बच्चों व्हाट? रिच इन प्रोटीन। कंसेप्चुअली समझेंगे बात। तो ये जो प्रोटीन में रिच एरिया है क्यों? क्योंकि इसकी बाहर की जो सेल वॉल है दे आर फॉर्म्ड बाय प्रोटीन, और उसको वी कॉल इट एज पेलिकल। इसमें दो फ्लैजिला है लेकिन एक शॉर्ट है एक लॉन्ग। अगेन यूग्लिनॉइड में भी टू फ्लैजिला, वन शॉर्ट वन। एक काम की बात यह कि प्लांट किंगडम की तरह ही इसके पास भी जो है जो क्लोरोफिल होता है वो ही होता है, क्लोरोफिल ए वगैरह की बात करें तो। फोटोसिंथेसिस प्रेजेंस इन सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन जैसे ही एब्सेंस होगी सनलाइट दे बिकम हेटरोट्रॉफिक और ये आसपास के प्लैंकटॉन्स को खाने शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल आपको याद रखें। और पिगमेंट्स, चाहे वो क्लोरोफिल ए हो है ना या फिर क्लोरोफिल बी हो, दोनों ही इसमें मिल रहा हो। एग्जैक्टली लाइक हायर प्लांट्स, तो प्लीज इस चीज को याद भी कर लेंगे सर।
है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है मनोज, मिक्सोट्रॉफिक आप बोल सकते हो यूग्लेनॉइड। डन, चलो ये कहानी आपको समझ में आई। अगली जो बात मुझे तुम्हें समझानी है वो है क्या, स्लाइम मोल्ड की बात। किसकी? स्लाइम मोल्ड की बात करते हैं। अभी तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए बस। और ये भी याद, याद भी सिर्फ इतना ही करना है ना, याद भी सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। अब स्लाइम मोल्ड का कंसेप्ट सीख, ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर है, बताने की बार बार जरूरत ही नहीं है कि ये यूनिसेलुलर, लेकिन ये सैप्रोफिटिक भी है। सैप्रोफिटिक मतलब सड़ी गली चीजों पर ग्रो करना, इज कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक नेचर, राइट? छोटी छोटी बातें हैं। अब यहां समझने वाली चीज क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बारे में दो तीन चीजों को आपको याद रखना ही पड़ेगा अगर कंसेप्चुअली समझना चाहते हो। और ये मत सोचना कि नीचे मैगी रखी हुई है, मैगी नहीं है वो, स्लाइम मोल्ड है। कहानी को सीखो, इनको हम कंज्यूमर डिकम्पोजर जो है बोलते हैं, दे आर कंज्यूमर स्पेशली डिकम्पोजर। एक बात, इनके पास कोई बाहर सेल वॉल नहीं होती, नो सेल वॉल। ये एनिमल की तरह ज्यादा बिहेव कर रहे हैं, स्पेशली फंगस। और इनके अंदर, प्लीज मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझना, इनका जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड फॉर्म में है, कैसे बना वो सिखाना, डिप्लॉइड न्यूक्लियस। और अगर ये सेलुलर फॉर्म में बनता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। वी कैन कॉल इट एज प्लाज्मोडियम, ठीक है? अभी समझाता हूं। और कई बार बहुत से इकट्ठे हो जाते हैं, ढेर सारे, उसको ए सेलुलर बोल दिया, तो इसके लिए नाम रखेंगे स्यूडो प्लाज्मोडियम, स्यूडो प्लाज्मोडियम। ठीक है, और अब जरा कहानी को समझें, है ना? अब जरा कहानी को समझें, बहुत बहुत सिंपल सी कहानी है और काफी इंपॉर्टेंट और तुम्हारे काम की कहानी। होगा क्या, है ना, होगा क्या, कंसेप्चुअली समझना। ये डायग्राम भी आपको दिया हुआ है समझाने के पर्पज से, बट मैं एक काम करता हूँ, छोटा सा काम। वेट, एक बार के लिए इसको इधर रखते हैं, बहुत आसान, समझो मेरी बात। एक सिंपल सा, क्या हुआ, ध्यान से सुनो, कहाँ गया? एक सिंपल सा देखो, सीडोप्लाज्म एक सेल है, तो ये क्या करेगा, है ना, आसपास के सेल का वो खाना शुरू कर देगा। मान लो बहुत से स्लाइम मोल्ड्स हैं आसपास के, उनके न्यूट्रिशन को लेना शुरू कर देगा। और सारे इसको न्यूट्रिशन जब मिल रहा होगा, इसको सारे इसको न्यूट्रिशन जब दे रहे होंगे, अगर, है ना, अगर, तो इसकी वजह से क्या हो, है ना, ये ग्रो कर जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। अच्छा, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है तो इसके किनारे किनारे एक सेल है, दूसरे सेल्स हैं, अब उसके वो एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरे सेल से एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप हो जाएंगी। फ्रूटिंग बॉडीज मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स। इट इज नथिंग बट वॉट, फ्रूटिंग बॉडीज। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रूटिंग बॉडीज। और इस बात को समझना, इसमें से ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्पोर। सबको समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्पोर। कंसेप्चुअली समझो, है ना, समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लें। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, फेवरेबल कंडीशंस आते हैं, जैसे ही, तो इनका स्पोर जर्मिनेट कर जाता है। ये देख रहे हो, ये सब फ्रूटिंग बॉडीज हैं, ये सब जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं।
तो स्पोर क्या हो जाता है बच्चों, जर्मिनेट कर जाता है, स्पोर प्रॉपरली जर्मिनेट कर जाएगा। अच्छा काम की बात और अच्छे से समझो, जब स्पोर जर्मिनेट कर रहा होगा तो यहां पर दो ऑप्शंस बनेंगे, बहुत क्लियर सामने फॉर्म में समझो, या तो ये मोटाइल हो जाएंगे, या दूसरा ऑप्शन क्या है, इमोटाइल हो जाएंगे। ये जर्मिनेट कर गए और वो दो फ्यूज होकर फिर क्या बना लेंगे बच्चों? हाँ जी, वो दो फ्यूज होकर फिर क्या बना लेंगे, एक डिप्लॉइड जाइगोट वाला एरिया, और फिर ये धीरे 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 अपना साइज बड़ा करेंगे, इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, और आपको बता दूं ये सेवरल फीट तक पहुंच जाएंगे, है ना, सेवरल फीट तक भी लंबे होते हैं, ये मेरी बात समझ पा रहे हो, बहुत मीटर तक लंबे होते हैं, आप इस डायग्राम में देखो, देख रहे हो ना, ऐसे फैलते जाएंगे फैलते जाएंगे फैलते जाएंगे, और क्यों फैलते जा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, ठीक है, क्या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, तो इस तरह से ये प्लाज्मोडियम और है ना स्यूडो प्लाज्मोडियम की बात कर, तो प्लाज्मोडियम हमेशा सुटेबल कंडीशन में बनेगा, ये क्या है, ये प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो सुटेबल कंडीशन में सेवरल फीट तक पहुंच जाता है, और ये जो स्पोर फॉर्मिंग वाले फॉर्म में ये वाला जो है एक सिंगल, ये अनफेवरेबल कंडीशन में भाई वही सेम चीज श्रिंक हो जाएगी, आसपास वाले भी न्यूट्रिशन खींच लेगा और इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज बन रही, इसको बोलते हैं क्या, स्यूडो प्लाज्मोडियम, क्या कई से मिलकर बना, अनफेवरेबल कंडीशन में टिप पर स्पोर होंगे, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्यूडो प्लाज्मोडियम के फॉर्म में बना रहा, तो ये वर्ड आपको याद रखना है। एक चीज और भी याद रखें, ये जो ये सेलुलर है हमेशा, कौन, छोटी छोटी बातें, सेलुलर स्लाइम मोल्ड की बात कर रहे हैं और ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड की बात, ऐसे आपको बिल्कुल क्लियर फॉर्म में याद रखना, डन है। प्रोटोजोआ में आपको ये चार चीजें याद रखनी है, है ना, अच्छा इनको फॉल्स फंजाई भी बोलते हैं, प्लीज याद करें, स्लाइम मोल्ड इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स फंजाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, फंजाई के सारे फीचर्स हैं। प्रोटोजोआ लास्ट है हमारा, इसमें हेटरोट्रॉफ्स हैं बेसिकली, और ऑटोट्रॉफ्स तो बिल्कुल नहीं है, एमिबॉइड अमीबा के शेप की तरह, फ्लैजिला है या फिर सिलिया है या फिर स्पोरोजोन्स या फिर क्या है, स्पोरोजोन्स, ये तीन चार बातें आपको टिप्स पर पता होनी चाहिए, तीन चार चीजें है प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए, तो अमीबॉइड प्रोटोजोन फ्लैजिलेटेड सिलिएटेड। अमीबॉइड क्या है, पहली बात अमीबा की बात तो आपको दिमाग में है ही है, तो अमीबा में ये इनके बाहर मेराइन फॉर्म में सिलिका की शेल वॉल होती है, इसको याद कर लो, जितने भी मेराइन हैं दे हैव सिलिका शेल वॉल, और सम आर देम आर पैरासाइट एंट अमीबा की बात, सम ऑफ देम आर पैरासाइट एंड दे आर एंट अमीबा, ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो स्यूडोपोडिया होते हैं इस पे, है ना, दैट्स व्हाई अमीबॉइड, कोई दिक्कत नहीं। फ्लैजिलेटेड में आपको ट्रिपैनोसोमा पता होना चाहिए, ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, इट इज अ टाइप ऑफ फ्लैजिलेटेड, रिलीविंग या पैरासाइट हो सकते हैं, ट्रिपैनोसोमा पैरासिटिक है, फ्लैजिला। उसी तरह सिलिएटेड फॉर्म में आपको पैरामीशियम याद रखना होगा, है ना, आपको पैरामीशियम याद रखना होगा, ठीक है, छोटी छोटी बात पैरामीशियम। अच्छा इनकी माउथ ओपनिंग को बच्चों ग्यूलेट बोलते हैं, बस इतना ही याद रखना, माउथ ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्यूलेट, और इनके बाहर बहुत से सिलिया होते हैं। अच्छा पैरामीशियम इज ऑल्सो नॉन स्लीपर सेल, जो घरों में हम स्लीपर पहनते हैं वो वैसा, और इसके बॉडी के बाहर छोटे 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 सिलियाज हैं, सिलिया, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिलिएट प्रोटोजोआ। इनके सारे मेंबर्स में आपको क्या मिल जाएगा, स्पेशली ठीक है, सिलिया मिल जाएगा, डन है। और लास्ट में स्पोरोजोन्स, जो अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार, है ना, दोबारा बोल रहा हूँ, अपनी लाइफ टाइम में एटलीस्ट एक बार क्या करते हैं, हाँ जी, स्पोर बनाते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज कर रहा है, दैट्स इट,
प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज कर रहा होता है, इन कंसेप्ट को आपको एक बार याद रखना, दैट्स बस इतना ही आपको याद रखना है। बाकी के बहुत से एमसीक्यूज मैंने टॉपिक वाइज सेपरेट किए हैं आप सारे बच्चों के लिए, तो जाकर मेहनत से एक बार क्वेश्चंस कर लेना, मैं अभी आप लोगों को करवा दूंगा। अब दो तीन पीवाईक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, है ना, आप समझ पा रहे हो ना कितने आसानी से दे सकते हो आंसर। सिलिएटेड और प्रोटोजोन्स में बाकियों में क्या फर्क है, ये दूसरा क्वेश्चन है। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है वो भी, डायटमिशियस अर्थ जो है डायटम्स हैं उनके एग्जाम्पल्स, ट्राइजोफाइट सिग्लेनॉइड एंड डाइनोफ्लाजेलेट्स, है ना, ये किस किंगडम में इंक्लूड है। ऐसे उटपटांग से हल्के फुल्के से क्वेश्चन याद रखते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है देखो, टू ओवरलैपिंग शेल जो आपस में फिट हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा सोप बॉक्स के बारे में, याद आया, है ना, एपिथीका हाइपोथीका, बस इतना हिंट बहुत है। ये बेसिक चीजें हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी टफ नहीं है। हालांकि दूसरे एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे लिए अलग से ऐड किए हैं, तो जल्दी से आ जाओ, उसके बाद कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। इसका जो वो होगा क्या, इसका जो टेस्ट होगा वो 1 बजे होगा। अच्छा सुनो, अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे को हो रहा है, तो संडे भी होगा सुबह 11 बजे, और एनरोल कर लो, एनरोल कर लो। एनरोल करने का डायरेक्ट फायदा कि अगर टॉप 3 में आते हो तो फ्री में सब्सक्रिप्शन मिलने की पूरी संभावनाएं हो जाती हैं। एनरोल करने के लिए कोड भी यूज कर लेना, ATSIR, तो फ्री टेस्ट है ये, पूरी तरह से फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, याद रखें, इट इज कंप्लीटली फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। और आप लगभग मतलब टॉप 3 में आ गए तो फायदा ना, हर एक को कुछ ना कुछ फायदा हो ही रहा है। रात में 8:30 बजे 12th पढ़ा रहा हूँ, तो आना चाहो तो नीट रैंकर चैनल पर आ सकते हो इफ यू वॉन्ट, ये चैनल, और मुझे फॉलो कर लो। ये मेरी क्लास की टाइमिंग है, एक बार क्विक सुन लो, एक बार क्विक सुन लो। सुबह 7:30 बजे यहाँ पढ़ा दिया, और इसका टेस्ट कब लिया मैंने, 1 बजे, रात में 8:30 बजे 12th पढ़ा रहा हूँ, है ना, और इसका टेस्ट कब लिया, रात में 10 बजे। तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना होगा, ये दोनों टाइमिंग। अगर पहली बार आ रहे हो तो मेरा कोड यूज़ कर लेना, तुमको एनरोलमेंट मिल जाएगी फ्री के टेस्ट के लिए, है ना, फ्री टेस्ट के लिए एनरोलमेंट मिल जाएगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। आज से मेरा बैच शुरू हो रहा है +1, है ना, +1, हमने उसका नाम रखा है टाइटन्स बैच। टाइटन्स बैच में आपको कंप्लीट बायोलॉजी मैं करा रहा हूँ, और उस बैच को इनफैक्ट एन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को ले लो, कैसे, विद द हेल्प ऑफ कोड ATSIR, और यू विल गेट 10% डायरेक्टली, 10% डायरेक्टली ऑफ, मेरी मेंटोरशिप मिल रही होगी, पॉसिबिलिटीज आपकी बेहतर बनेंगी फॉर श्योर। तो मिलते हैं 1 बजे इस टेस्ट के साथ में बच्चों, ठीक है। तो खूब मेहनत से पढ़ते रहो, हार्डवर्क करते रहो, जहाँ कन्फ्यूजन है पूछ लेना, ठीक है।